अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? इंशाल्लाह आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। तो ये प्याज मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। मैंने ये 7-8 प्याज ले लिए थे, इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये हमारा चिकन है 1/2 किलो। अब हम इसमें मसाले मिला देंगे, इसे मैरिनेट करके रख लेंगे। तो ये टमाटे का पेस्ट है, टमाटर का। इसमें मैंने 5-6 मिर्चा भी मिलाकर, मिर्चे हरी मिर्च मिलाकर इसका पेस्ट बना लिया है। ये दही है और अब हम इसमें मिला देंगे सारे मसाले। तो हम ये इसमें पेस्ट डाल देंगे टमाटर का। फिर हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच दही। अब हम इसमें बाकी के मसाले भी मिला देंगे, जैसे सूखे मसाले। तब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच गरम मसाला। अब हम इसे मैरिनेट करके रख लेंगे और हम इसमें अब डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है, हमें अच्छे तरीके से इसे ब्राउन कर लेना है। ये मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसे मिलाकर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप इसे 1/2 घंटा रख सकते हैं या 1 घंटा भी रख सकते हैं। मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपनी प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये हमारी प्याज फ्राई हो गई थी तो मैंने इसे अलग कर लिया है थोड़ी सी बिरस्ते के लिए, जब हम बिरयानी दम करेंगे उस पर डालने के लिए। और ये मैंने थोड़ी सी प्याज को हाथ से क्रश कर अब हम इसे ये अपने मैरिनेट में मिला देंगे। इससे आपका ग्रेवी भी अच्छा बनेगा और टेस्ट भी आएगा। ये मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ये हमारा जो प्याज मैंने तला था उसका ही तेल है और अब हम इसमें ये मैरिनेट करा हुआ चिकन डाल देंगे उसमें। हमें इसे अच्छी तरीके से पकाना है, जब तक इसका पानी सूख ना जाए और मसाले पूरे पक ना जाए। ये हमने 1/2 किलो चावल ले लिया था और मैंने इसे 1/2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। अभी भीग गए हैं, अब हम इसे हाफ बॉईल कर लेंगे। देखिए हमारे चावल हाफ बॉईल हो गए हैं। अब हम इसे बिरयानी की परत बना लेंगे। तो ये मैंने पॉट ले लिया है, आप इसमें फर्स्ट डालिए थोड़ा सा जो हमने ग्रेवी बनाई थी चिकन की, उसके अंदर उसका आप तेल इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए नीचे बॉटम में। अब इसमें आप डालेंगे उबले हुए चावल।
मैं इसमें ज़्यादा लेयर नहीं करूँगी, सिर्फ दो लेयर ही करूँगी, मीन्स एक नीचे और एक ऊपर। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन की ग्रेवी। अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने प्याज फ्राई करके रख लिया था, तो उसमें मैंने हरा धनिया भी मिला लिया है, तो हम उसमें डाल देंगे। अब हम इसमें और चावल डाल देंगे, बिरयानी राइस जो हमने उबाल लिया था। अब हम इसमें कलर ऐड कर देंगे, इसमें हम डालेंगे ग्रीन कलर, आपके पास जो कलर हो आप डाल सकते हैं। और डाल दीजिए ऑरेंज कलर। और इसमें आप डाल दीजिए ये जो फ्राई ऑनियन था। और अब आप इसे फॉइल पेपर लगाकर दम करने के लिए रख दीजिए। मैंने ये फॉइल पेपर लगाकर बिरयानी को दम करने रख दिया है, आप इसे कम आंच पर 15 मिनट के लिए दम होने दीजिए। ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, माशाल्लाह। आप भी अपने घर में बनाइए, घर वालों के साथ खाइए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा। जज़ाकअल्लाह।